जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में। एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला था। जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आता है, पहला रिजल्ट फाइनेंशियल किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, वो 13 अगस्त को आने वाला था। तो ये रिजल्ट अब आ गया है, तो इस रिजल्ट के बेसिस पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे रिजल्ट कैसा रहा, अनुमान के मुताबिक आया कि नहीं, और उस रिजल्ट के बेसिस पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है इसमें अब क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट और क्वार्टर फोर का रिजल्ट काफी मायने रखता है, क्योंकि एक पहला रिजल्ट होता है और क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट होता है ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट रिजल्ट होता है। क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, पहला रिजल्ट है, तो उम्मीद करेंगे आने वाला हर रिजल्ट इसी के जैसा होगा, अपेक्षा करके चलेंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कंपनी के क्वार्टर का जो नंबर आया है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये जैसे इस पे आएंगे बीएस इंडिया की वेबसाइट है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि कल के डेट में बीएससी जो एक्सचेंज है उस पर ये जब अपलोड किया गया था इसके कंपनी के क्वार्टर फोर का रिजल्ट, तो उसके बाद ये निकल कर सामने आया हमारे पास डाटा, जहाँ पे ये रहा 13 अगस्त के दिन का एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। देखिए ये लोगो रहा सबसे पहले, और यहाँ पे 13 अगस्त को कंपनी ने अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट अपलोड किया है। कंपनी का कोड वगैरह ये जो हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता है, हमारे लिए जो मेन चीज रखता है कंपनी का ये नंबर कैसे आया। अब देखें यहाँ पे जब आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, और यहाँ पे समझाना भी बहुत कठिन होता है। जैसे ये कंपनी के इनकम हो, कितनी कंपनी कमाई हुई है, कंपनी के खर्चे हो गए, और नीचे इधर कहीं आएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी रहेगा, यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंडिचर भी रहते हैं, तो ये यहाँ पे उतनी इजिली समझ में नहीं आते हैं प्रॉफिट लॉस जो है। इसके लिए हमें चलना होगा स्किनर के वेबसाइट पर, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आता है कंपनी का तो वहाँ पे अपलोड हो जाता है, और वहाँ पे समझाना काफी आसान होता है। ये स्क्रीनर का जो वेबसाइट है काफी एक मतलब अच्छा और यूजर फ्रेंडली इनका इंटरफेस होता है, इसलिए मुझे स्क्रीनर का वेबसाइट काफी पसंद है, और यहीं पे मैं अपने तमाम वीडियो को बनाते रहता हूँ और अपलोड करते रहता हूँ। तो एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया और सीधे क्वार्टर फोर के नंबर पर आ गए। देखिए ये रहा कंपनी के क्वार्टर्स का रिजल्ट। सेल्स की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ओवरऑल एक क्वार्टर में कंपनी ने कितना अपना बिजनेस में सेल्स किया, कितना सर्विसेज दिए लोगों को, वो इससे पता चलता है। देखिए जून क्वार्टर में देखेंगे तो 46 करोड़ 86 लाख का कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से हम बिल्कुल तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि एक आध क्वार्टर में कंपनी को एक बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लग जाता है। हम इसकी इससे तुलना नहीं करेंगे, हम तुलना करेंगे ओवरऑल जो कंपनी के सेल्स रहा है पिछले क्वार्टर्स में उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से कंपनी का जो क्वार्टर वन का नंबर आया है ये काफी बढ़िया आया है, और नो डाउट पिछले सभी क्वार्टर्स के नंबर से देखेंगे तो कंपनी अभी भी कंपनी का सेल्स ज्यादा हुआ है, यानी कि कंपनी ओवरऑल ग्रोथ के रास्ते पर है। मार्च क्वार्टर में क्या हुआ, तो कंपनी को एक बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लग गया था, जिससे मार्च क्वार्टर में कंपनी का सेल्स ट्रिपल डिजिट में चला गया था। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो जो कंपनी का सेल्स होता है वो डबल डिजिट में ही रहता है। तो अभी भी जो कंपनी का यहाँ पे देखेंगे सेल्स हुआ है जून क्वार्टर में वो डबल डिजिट में है, और इन सब के मुकाबले कंपनी का ये रिजल्ट कहीं ना कहीं अभी तक सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम ये मानेंगे कंपनी अभी ग्रोथ में है, कंपनी का मैनेजमेंट सही काम कर रहा है। एक्सपेंसेस देखिए, जाहिर सी बात है जब कंपनी के खर्चे, जब कमाई बढ़ती है किसी की तो खर्चे बढ़ते हैं, हालांकि ये खर्चे किसी भी तरह से जो कंपनी का सेल्स है जितना कमाई हो रहा है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है खर्चा। इसी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो नेट प्रॉफिट है यह भी देखेंगे तो प्रॉफिट में। हालांकि देखिए मार्च क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा था, बहुत बड़ा सेल्स हुआ था, लेकिन फिर भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जो मेन बिजनेस कमाई होती है वो नहीं हुआ था, क्योंकि कंपनी ने अपने मेन बिजनेस पर कमाई नहीं दिया था, जबकि इस बार कंपनी ने मेन बिजनेस पर कमाई दिया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 2 करोड़ 19 लाख के आसपास हुआ, जो पिछले सभी क्वार्टर्स में देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इससे ज्यादा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको जबरदस्त बढ़ते हुए दिखा है, तकरीबन 5% के आसपास ये बढ़ा है, तो ये बढ़िया चीज है। और यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं कंपनी के, तो नेट प्रॉफिट में भी देखिए जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है कंपनी को 2 करोड़ 19 लाख, जबकि मार्च क्वार्टर में बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगने के बाद भी कंपनी का सेल्स ट्रिपल डिजिट में पहुंच गया था, लेकिन जो प्रॉफिट है वो डबल डिजिट में रहा, और इस बार सेल्स भले कम हुआ है मार्च क्वार्टर की तुलना में, लेकिन इस बार सेल्स जो पिछले क्वार्टर का नंबर है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा होते हुए दिखा है, 10 लाख के आसपास ज्यादा हुआ है। ओवरऑल बात यह है कि कंपनी का जब सेल्स अच्छा हुआ है, प्लस सेल्स हुआ तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हुआ। अब बात होती है कि ये पैसा कंपनी यूटिलाइज कहाँ पे करेगी, जो कंपनी का प्रॉफिट का पैसा है। इसके लिए देखिए जब हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो हम ये पाते हैं कंपनी के पास डेब्ट तो बिल्कुल नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है, पहले भी कंपनी के पास डेब्ट नहीं था, अभी भी डेब्ट नहीं है, और चूंकि अब कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का पैसा आ रहा है, तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो वो आप देखें लगातार कंपनी का यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। तो ये देखिए पहले 173 करोड़ था, इसको मैं देखिए काफी पुराना हो गया, यहाँ पे देखिए मार्च हाल फिलहाल का जो लेटेस्ट रिजल्ट होता है तो 23-24 में जो कंपनी का रिजर्व है फ्री कैश फ्लो वो कंपनी का बढ़ते हुए दिखा है, यानी कि जो प्रॉफिट का पैसा आ रहा है कंपनी उससे एक तो डेब्ट है नहीं, तो जाहिर सी बात है जो कैश फ्लो होता है कंपनी वही अपना रिजर्व करेगी ताकि बुरे समय
में सस्टेन कर सके। हालांकि कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा आ रहा है तो कंपनी को इस प्रॉफिट के पैसे से कहीं ना कहीं अपने निवेशकों को डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि आईटी कंपनियां हैं डिविडेंड देने में मैं देखता हूँ बहुत कंजूसी करती हैं, ऐसा नहीं है, डिविडेंड इनको देना चाहिए। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये भी आईटी कंपनी है, यहाँ पे एक चीज दिखा दूँ कि इसमें आपको प्रमोटर्स बहुत कम देखने को मिलेंगे आईटी से। आईटी कंपनियों में वैसे भी देखेंगे तो प्रमोटर्स कम होते ही है, तो ये तो वैसे भी छोटे स्टॉक्स है तो इसमें प्रमोटर्स कम ही रहेंगे, ज्यादातर शेयर्स आपको पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात यह है कि ये जो कंपनी है एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, काम के बेसिस पे यदि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए तब भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, होते ही रहता है समय दर समय। और लॉन्ग टर्म में इसमें चूंकि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करती है कंपनी आईटी संबंधित, तो इसका फ्यूचर भी बहुत बड़ा है, ब्राइट है, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। बाकी नंबर काफी बढ़िया है, उस नंबर के बेसिस पे कंपनी का शेयर प्राइस में तेजी आपको ये जो देखने को मिले 1-1% कुछ दिनों में 4-5% की तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।